தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்டு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கட்சிகள் இணைந்துள்ளன என்று தெரிவித்தார். தக்ஷிண பாரத் என்டிஏ நயி ராஜநீதிக்கு நீவ் மஜபூத் கி. अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में, दोनों जगह. साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे. और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்பதை புதிய இந்தியா, வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா, லட்சிய இந்தியா என்று தாம் கருதுவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார். एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया. और इसी के इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोडमैप भी है. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் சிறந்த நிர்வாகம், நாட்டின் வளர்ச்சி, மகளிரின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் போன்றவற்றை லட்சியமாக கொண்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு செயல்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது கூறினார். என்டிஏ சர்க்கார் மே ஹம் அகலே 10 சால் மே மே பஹுத் ஜிம்மேவாரி கே சாத் கஹ ரஹா ஹூன், அகலே 10 சால் மே गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम बदलाव चाहते हैं. गुड गवर्नेंस का एक ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे. அனைவரும் இணைந்து வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற கனவை நனவாக்குவோம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.